मुख्यमंत्री मोहन यादव का बढ़ा विरोध, एफआईआर होगी दर्ज, मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर एफआईआर दर्ज करवाने तक की बात कह डाली। जी हां, आपको बता दें चले कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी के साथ राजगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में मां जलपा के दर्शन किए व क्षेत्र के लिए मंगल कामनाएं की। तो वही भाजपा प्रत्याशी रोडमन लागर की नामांकन सभा के दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तक की बात कह डाली। बता दें कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रोडमन लागर के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया था, जहां सभी दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को रामद्रोही सहित अन्य उपाधियां तक दे डाली। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तो ये तक कह गए कि दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को गले लगाते, और इसके जवाब में अपना नामांकन जमा करने पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें रामद्रोही बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर मान हानि और आतंकवादियों से हाथ मिलाने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है, लेकिन उन्होंने वीडियो क्लिप मीडिया से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।